हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिन्स टॉक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपीआई विनर के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। अगर आपका एज जेई सिलेक्शन होता है तो क्या क्या चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए पहले से। तो इसमें हम जानेंगे कि अगर आप जेई बनते हैं यूपीआई विनर में, तो उसका उसमें आपका जॉब का प्रोफाइल क्या रहने वाला है, जॉब का लोकेशन क्या रहेगा आपका, अगर आप जेई बनते हैं तो आपके ऊपर क्या वर्क रहेगा, क्या काम आपको एज जेई वहाँ परफॉर्म करना है, और आपके ऊपर वर्कलोड क्या रहेगा, आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एज ए जेई आपको सैलरी कितनी मिलेगी, मैं डिटेल में सबको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, और फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेगी आपको, और आपका प्रमोशन कैसे होगा। और एक बार बता दूं आपको, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे लास्ट ईयर का जो 2016 में मैकेनिकल का पेपर आया था, मैंने उसका सोल्यूशन डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, और पहले देखते हैं कि एज जॉब प्रोफाइल आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं आपका यूपीआई विनर में एज ए जेई जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आप जब सेलेक्ट होंगे तो आप एज ए जूनियर इंजीनियर आपका सिलेक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं आपके ऊपर रहेंगे असिस्टेंट इंजीनियर, जिनको हम बोलते हैं AE, इनके ऊपर आपको मिलेंगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनको हम बोलते हैं XEN, इनको हम बोलते हैं XEN, और इनके ऊपर आपको मिलेंगे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, और आपके अंडर में जो रहेंगे वो रहेंगे टेक्नीशियन और वो रहेंगे हेल्पर। तो आपको आपसे जो होगा, जो आपका वर्क इंस्ट्रक्शन होगा वो इस फ्लो में आएगा, और आप जो आपको वर्क कराना होगा आपको अपने टेक्नीशियन और हेल्पर से काम कराना होगा। तो ये आपका होता है जॉब प्रोफाइल या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये आपका होता है एज ए जूनियर इंजीनियर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आपका जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि आपका जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है। जैसा आप सभी को मालूम है, आपका जो यूपीआई विनर का हेडक्वार्टर है वो आपका शक्ति भवन मतलब लखनऊ में है। ठीक है, तो आप जब आपकी जॉब लगेगी एज ए जेई, तो आपका जॉब लोकेशन क्या क्या हो सकता है। तो आपका जॉब लोकेशन है तो ओबरा, अनपरा, परीक्षा, हरदुआगंज, पनकी या जवाहरपुर, इन सभी थर्मल पावर प्लांट में से आपका जॉब इन सभी में से किसी एक लोकेशन में लग सकता है। बट जो उनका प्रेफरेंस होता है वो ये होता है कि आपका जो आपका घर है वो इन सब में से किसके पास में है। तो आप सभी को मालूम है जो ओबरा अनपरा है, ये आपका थर्मल पावर प्लांट जो है ये आपका सोनभद्र यूपी में है। ठीक है, ये आपका सोनभद्र में है। हम बात करें अगर परीक्षा की, तो फ्रेंड्स ये आपका झांसी में है। फ्रेंड्स ये आपका झांसी में है। हम बात करें अगर हल्द्वा का थर्मल पावर प्लांट की, तो फ्रेंड्स ये आपका जो है अलीगढ़ में है, ये आपका पावर प्लांट अलीगढ़ में है। पनकी की बात करें फ्रेंड, तो ये आपका कानपुर में है ये थर्मल पावर प्लांट, और जवाहरपुर आपका बात करें तो ये थर्मल पावर प्लांट आपका एटा में है। तो इन छः जगह में से आपका कहीं पे भी एज ए जेई आपका जॉब लोकेशन हो सकता है। हम फ्रेंड बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आपका सैलरी क्या होने वाला है एज ए जूनियर इंजीनियर। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं आपकी एज ए जूनियर इंजीनियर आपकी सैलरी क्या होने वाली है। ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट, कि अगर हम काम करेंगे तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो आफ्टर सेवेंथ पे कमीशन, मतलब सेवेंथ पे जो अभी कमीशन लागू हुआ है, उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो सैलरी होगी, अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें, तो अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी फ्रेंड्स आपकी होगी 44,900 रुपये। तो ये फ्रेंड्स आपका होता है बेसिक सैलरी। ठीक है, तो आपका 44,900 रुपये आपका होता है फ्रेंड्स बेसिक सैलरी। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें आपको डीए मिलता है, डीए जिसको हम बोलते हैं डीएलएनएस अलाउंस, और आपको बहुत सारे अलाउंस इसमें मिलते हैं। इन अलाउंस में क्या क्या होता है, तो इन अलाउंसेस में आपका पेट्रोल का अलाउंस मिलता है, कि आपको जो पेट्रोल लगता है उसका अलाउंस मिलता है। इसमें आपका शिफ्ट का अलाउंस मिलता है, शिफ्ट अलाउंस मिलता है इसमें आपको। इसमें आपको जो आप जिस जगह आप काम कर रहे हैं, जो आपका जॉब लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग हर जगह का एक मिनिमम अमाउंट फिक्स होता है, तो उसका भी आपको कुछ अलाउंस मिलता है। तो अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें और इन अलाउंसेस की बात करें, तो टोटल मिला के इनका जो ग्रॉस सैलरी फ्रेंड्स आपका बनता है, जो आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा इन सबको मिला के, वो फ्रेंड्स बनेगा 60,000 अप्रॉक्स, जो है 60,000 आपका ग्रॉस सैलरी टोटल बनता है। ठीक है, बट ये आपका इनहैंड सैलरी नहीं है, आपका इसमें कुछ माइनस भी होता है, मतलब कुछ इसमें आपके डिडक्शंस भी होते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, आपका जो पीएफ फंड होता है उसके लिए कुछ पैसे कटते हैं, इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है उसके भी कुछ पैसे कटते हैं इसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसके बाद आपका जो हाउस है उसका, हाउस का यानी होम का रेंट मिलता है, उसका पैसा आपका इसमें कटता है। तो आपका जो ग्रॉस सैलरी है और डिडक्शन उसमें से काटते हैं अगर हम, तो आपका जो इनहैंड सैलरी मिल जाएगा फिर, वो मिनिमम आपको 55,000 से लेके
58,000 तक आपको फ्रेंड्स मिनिमम सैलरी आपका इन हैंड यूपीआई विनर जेई में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फ्रेंड बहुत अच्छी जॉब है यूपीआई विनर जेई। आप लोगों की तैयारी मैं खुद ही करा रहा हूँ, 2016 का जो मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ मैंने उसमें डिटेल में बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। तो प्लीज़ अपनी तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहिए, क्योंकि आपको जो इन हैंड सैलरी मिलने वाली है वो आपकी 55,000 से लेकर 58,000 तक सैलरी मिल सकती है, ठीक है। और जो फैसिलिटीज होती है फ्रेंड्स यूपीआई विनर जेई के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती है, आपको हाउस मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है फ्रेंड, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बहुत ही वर्कलोड रहता है, वर्क फ्रेंड बहुत ही अच्छा रहता है, तो आप लोग तैयारी अपने अच्छे से करते रहिए, ठीक है। हम देखते हैं एज जेई आपको वहां पे वर्क क्या रहेगा और आप पे वर्कलोड कितना रहेगा, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, हम देखते हैं वर्क ऑफ ए जेई इन यूपीआई विनर, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं एज ए जूनियर इंजीनियर आपका वहाँ पे वर्क क्या रहेगा और वर्कलोड क्या रहने वाला है, तो आप देख सकते हैं पहला आपका वर्क ये रहता है कि आपको प्लान जो आपके जो सीनियर इंजीनियर्स आपको प्लान देते हैं वो आपको एक डेवलप करना होता है, कैलकुलेशंस करने होते हैं जितने भी आपके अंडरगोइंग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स रहते हैं। सेकंड आपका होता है जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका वर्क फ्लो मेंटेन करना आपको कि क्या क्या उसमें गैप है वो गैप ना रहें, आपको टाइमलाइन के अंदर आपको उस प्रोजेक्ट को फिनिश करना होता है, डे टू डे आपको अपने सीनियर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। सेकंड वन ये होता है, थर्ड वन ये है कि आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट मतलब जो काम आप करा रहे हैं जो आप काम आपको मिला है एज ए प्रोजेक्ट तो आप उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रिपेयर करिए और अपने सीनियर्स को डेली आप उसको अपडेट करते हैं कि आपने इतना काम कराया और कहाँ आपका गैप हो रहा है। उसके बाद आपका होता है कि जो आप मशीन से इक्विपमेंट जो आपके लगे हुए हैं जैसे आपका टर्बाइन हो गया, कंप्रेसर्स हो गया, ब्लोवर्स हो गया, उनका एक पीएम चेक शीट होता है वो आपको पूरा प्रिपेयर करना होता है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी होती है उनकी, आपको आपको ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस वर्क करना होता है एज ए जेई, ठीक है। अगर हम बात करें वर्किंग की बात करें तो आपकी जो वर्किंग होती है फर्स्ट वन आपका होता है शिफ्ट में, मतलब आपको स्टार्टिंग में जो है शिफ्ट में लगाया जाएगा, उसके बाद आपको जो है जनरल जॉब में ले लिया जाएगा, ठीक है, जनरल जॉब्स, ठीक है। तो जो शिफ्ट वाले होते हैं आप सभी को मालूम होगा किसी भी कंपनी में 3 शिफ्ट चलती है ए बी एंड सी, और तीनों सी जो शिफ्ट्स होती हैं वो आपकी 8 आवर्स की होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जनरल शिफ्ट्स की तो जो आपकी जनरल शिफ्ट होती है वो आपकी 9 बजे से लेकर सुबह शाम को 6:30 बजे तक होती है, और इसमें आपका 1.5 आवर्स का जो है लंच इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आपको इसमें 1.5 आवर्स का लंच मिलता है जनरल शिफ्ट की बात करें तो ये आपका होता है वर्किंग ऑफ जेई एज ए शिफ्ट भी आपको पहले स्टार्टिंग में डाला जाएगा, उसके बाद आपको जो है जनरल शिफ्ट में ले लिया जाएगा, और ये आपके मेन काम से एज ए जूनियर इंजीनियर इन यूपीआई विनर। हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आपको जेई के बाद आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा, उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका प्रमोशन इन यूपीआई विनर जेई। तो फ्रेंड्स अगर हम प्रमोशन की बात करें यूपीआई विनर में तो आपका जो सिलेक्शन होगा एज ए आपका जेई सिलेक्शन होगा, तो जेई में जो क्या होगा इसमें आपके जो हैं डिप्लोमा वाले बच्चे भी होंगे, और जिन्होंने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया होगा वो वाले बच्चे भी आपके जेई का एग्जाम देते हैं, मतलब आपको जो जिन लोगों ने बीटेक किया उनको इसका एडवांटेज मिलता है। कैसे मिलता है, जब आपकी ए की वैकेंसी निकलती है यूपीआई विनर में तो इसमें 50% जो वैकेंसी निकलती है वो आपकी फ्रेश वैकेंसी निकलती है, जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है वो आपकी फ्रेश वैकेंसी निकलती है, और जो आपकी 50% वैकेंसी होती है वो आपकी रिजर्व होती है जिसमें आपको प्रमोशन के हेल्प से आपको एई के लिए प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो इस 50% में जिन बच्चों ने बीटेक किया होता है उनको एडवांटेज मिलता है, और इसमें सीनियरिटी लिस्ट भी बनती है, तो सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से सीनियरिटी लिस्ट बनती है इसमें, और जिन लोगों ने एमआई बीटेक किया हुआ है उनको इसमें एडवांटेज मिलता है प्रमोशन होने के लिए, ठीक है। तो जिन लोगों ने डिप्लोमा के साथ बीटेक किया उनको प्रमोशन में एडवांटेज मिल जाता है। और अगर हम टाइम स्केल की बात करें तो इसमें जो रेशियो होता है टाइम का वो 9:5:5 होता है, मतलब 9 ईयर्स के अंदर आपको पूरा प्रमोशन देने के लिए प्रमोट किया जाता है। अगर उसमें आपको नहीं प्रमोशन मिल पाता है तो आपकी सैलरी उसके साथ आपको एडजस्ट कर दी जाती है, ठीक है। आई होप मैंने आपको यूपीआई विनर में सभी डिटेल को एक्सप्लेन कर दिया होगा, आपको जॉब प्रोफाइल मैंने आपको सब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।